हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन, आज के क्लास में आपको क्लियर करूंगा सिंबल। सिंबल का क्या यूज है, कैसे यूज करना है और कितने तरह से इसके टूल्स का यूज किया जा सकता है, टूल्स को अच्छे से आज हम समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ, आप विंडो में जाओगे और यहाँ पे सिंबल्स आपका ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको ओपन करोगे। स्वेचेज, ब्रश, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम आज के क्लास में इसको सिंबल को समझते हैं। तो ऐसा कुछ, अभी इसमें आप कुछ सिंबल देख रहे हो बने हुए हैं, ऐसा कुछ आप यहाँ से जितनी बार चाहे इन सिंबल्स को ऐसा कुछ ड्रैग करके और इनका यूज कर सकते हो फिलहाल। एंड आप ऐसा कुछ ये इन सिंबल्स का यूज कर सकते हो, बाकी के भी अलग अलग यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, आप खुद के भी सिंबल बनाकर इसमें ऐड कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ यहाँ पे चाहता हूँ एंड ऐसा कुछ एक स्टार लेता हूँ फिलहाल और इसको ऐसा कुछ ड्रैग करता हूँ। ये ऐसा कुछ एक ड्रैग करने के बाद इसमें फिलहाल हम ऐसा कुछ ड्रैग करने के बाद इसमें हम यहाँ से ग्रेडियंट, यहाँ से ऐसा कुछ अभी हम स्टॉक ले रखे हैं वो नहीं चाहिए, यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे एंड देन ऐसा कुछ ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मुझे 100% नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसे एंड जो वाइट पार्ट है व्हाइट पार्ट को भी थोड़ा सा ऐसा कुछ। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रेडियंट बना लेंगे। ये हमारा सिंबल बन गया, इसमें हमने स्ट्रोक ने यूज नहीं किया है बॉर्डर। तो ये हमारा ऐसा कुछ एंड रैंक, यहाँ पे ऐसा कुछ आप ड्रैग करोगे। जैसे ही आप सिंबल मोड ड्रैग करोगे यहाँ पे आप कुछ, इसने ऑप्शंस पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है रीनेम करने को, ये मैंने रीनेम कर लिया। तो ऐसा कुछ हमने रीनेम कर दिया और यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपोर्ट टाइप, मूवी और ग्राफिक। अगर आप फ्लैश के लिए कर रहे हो काम तो देन फ्लैश में इसका यूज होता था मूवी फ्लिप का फ्लैश के लिए, बट अभी जैसा कि हम अभी 2D नॉर्मल यूज कर रहे हैं 2D के लिए, तो वहाँ पे अभी जो हम जिस पर्पज से यूज कर रहे हैं हम ग्राफिक कर लेंगे, फ्लैश वगैरह के लिए यूज होता है। अभी आप फिलहाल कुछ भी रखो उतना फ़र्क नहीं पड़ना है, फिर भी आप ऐसा कुछ ग्राफिक अभी रख लो। एंड डायनेमिक सिम्बॉल, स्टेटिक सिम्बॉल, यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन होता है। तो फिलहाल आप डायनेमिक रखोगे, इसमें आपको कलर्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड देन बाकी का ये ऑप्शन है इनेबल गाइड्स टू 9 स्लाइस, इसको आप ऐसा कुछ ओके करोगे, ये आपका यहाँ पे सिंबल ऐड हो गया। देन यहाँ से आप इसे हटा सकते हो एंड यहाँ पे आप ऐसा कुछ ड्रैग करके जितने चाहे आप सिंबल यहाँ लाओगे और यूज कर सकते हो। यहाँ ऐसा कुछ इसे आप सेलेक्ट करोगे, रोटेट करोगे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, आप स्केल करो, रोटेट करो, कलर चेंज करो, जो करना है आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। देन अभी फिलहाल हम इसे हटाते हैं एंड आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है सिंबल स्प्रेयर टूल, ये इसको आप ऐसा कुछ राइट क्लिक करोगे तो आपके इसके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे डायामीटर है या बाकी के जो भी हैं, तो फिलहाल अभी इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं एंड ऐसा कुछ हम इसे सॉल्व, इस पर आप क्लिक करके रखोगे। मैंने आपको बता भी रखा है कि ये आइकन जहाँ पे भी ये त्रिकोण आइकन होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो ये स्प्रेयर टूल, तो स्प्रे पेंट स्प्रे बोतल की तरह यहाँ पे सिंबल इसका बना हुआ है एंड इस पर आप क्लिक करोगे। ऐसा कुछ है आप बाहर निकाल कर रखना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे भी आप रख सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी मैंने ये से सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल फर्स्ट वाला है, शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। ऐसा कुछ आप क्लिक करोगे और आप ऐसा कुछ बस ड्रैग करके और ऐसा कुछ मूव करते जाओगे और इस तरह से स्टार बनता चला जाएगा। एक जगह भी आप अगर ऐसा क्लिक करके रखते हो तो इस तरह से ये अपना स्प्रे करता रहता है, जैसा कि हम नॉर्मली बॉटल से पेंट स्प्रे करते हैं वही सेम काम ये भी कर रहा है। मैं बस क्लिक करके छोड़ रखा हूँ, आप देखो लेफ्ट क्लिक और होल्ड करके रखा हूँ मैं नीचे, आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड, जो भी मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ चाहे कीबोर्ड पे चाहे माउस पे, वो सब कुछ यहाँ आपको दिखता है। तो ये चीज़ है ऐसा कुछ एंड आपको मूव करना है ऐसा कुछ, आप मूव भी कर सकते हो। तो ये चीज़ है ऐसा कुछ स्प्रे कर यूज करो। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जैसे एरो है, सेलिब्रेशन है, आर्टिस्टिक है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ये सिंबल्स मिलते हैं। ये सिंबल जैसे अभी यहाँ पे ये सिंबल है, मैं इस पे चला जाऊँ ऐसा कुछ और इसको मैं पेंट करूँ, या यहाँ पे ऐसा कुछ जाऊँ और पेंट करूँ, तो ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे ये डिज़ाइन बन रहा है। तो यहाँ से भी अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे आपको सिंबल है
जो कि आप यूज कर सकते हो। ये आपका लाइब्रेरी है जिसमें आपको बने बनाए ये सिंबल्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ है, चलिए फिलहाल मैं अभी स्टार पे ही रहता हूँ और ऐसा कुछ मैं बहुत सारे इसको ऐसा कुछ पेंट करता हूँ। लीजिए ऐसा कुछ मैंने इसे पेंट कर दिया, इसको सिंबल को मैंने ऐसा कुछ यूज किया, देन आपको आ जाता है। अभी आप स्प्रे करते टाइम पे तो ये अपने अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हो, ये अपने आप स्प्रे करता जा रहा है, बट आपको इसको एडिट करना है, आपको चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना है, तो देन बाकी के टूल्स आप यूज करोगे। सिंबल शिफ्टर टूल, तो ये क्या करता है, अभी जैसे इसी को मुझे शिफ्ट करना है यहाँ पे ऐसा कुछ, इन स्टार्स को अलग अलग मुझे जैसे इसे यहाँ पे लाना है, एंड इसी पे मैं डबल क्लिक करूँ तो इसके लिए जैसे 200 पिक्सल का है ये सब, जो इसका डायामीटर ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखना है आप डिफ़ॉल्ट लिखो, और आपको इसमें चेंजेस करने हैं चेंज कर सकते हो। तो ये टूल्स है वहाँ पे ऐसा कुछ आपको मूव करने के लिए, आप ऐसा कुछ शिफ्ट कर सकते हो चीज़ों को, जैसे इस स्टार को मुझे यहाँ लाना है इसको मुझे, तो आपको स्प्रे करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो ऐसा कुछ आप स्प्रे किए हुए को बाद में आप ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये ऐसा कुछ आप यहाँ पे इससे आप शिफ्ट करने का, ठीक इसके अपोजिट आपका सिंबल स्क्रंचर टूल, तो इससे आप इसी चीज़ को और पास लाना, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ देखो, और ये टूल्स अब ये और पास आते जा रहे हैं, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये एक दूसरे के देखो यहाँ ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में, तो ये और ज़्यादा पास लाने के लिए देख सकते हो आप, ये देखो अभी ये थोड़ा डिस्टेंस पे थे, बट जैसे जैसे मैं इसे यूज करता जा रहा हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर पास आते जा रहे हैं। अब इसी में अल्ट अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये और डिस्टेंस इसका बढ़ता चला जाएगा, लीजिए डिस्टेंस बढ़ गया, मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूँ तो ये पास आ रहे हैं, बट अगर मैं अल्ट यूज कर दूँ तो ये ऐसा कुछ इसमें डिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसा कुछ ये चीज़ है, आप अल्ट यूज करके रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ पे ही लो मैं अल्ट के साथ कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ रिवर्स हो गया, मुझे इसको और फैलाना है तो मैं यहाँ अल्ट यूज कर रहा हूँ, तो अल्ट यूज करके आप जैसे मैं अभी पास ला रहा था अल्ट के साथ इसे दूर कर रहा हूँ, तो ये आप इस सभी टूल में सब में आप अल्ट करके आप रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। एंड देन इसके बाद सिंबल साइजर, तो इस पर आप क्लिक करके अगर किसी स्टार को ज़्यादा करना है साइज, इसको मुझे छोटा कर ज़्यादा करना है या इसी को मुझे छोटा करना है तो मैंने अल्ट क्लिक कर दिया तो लो ऐसा कुछ छोटा कर दिया। एंड ये चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा करना था यहाँ पे ज़्यादा करना है तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ मैं छोटा भी कर सकता हूँ, तो ये साइज छोटा है किसी का छोटा करना है किसी का साइज बड़ा करना है तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ है ऐसा कुछ, आप इसके साइज छोटा बड़ा करोगे, देन आपका सिंबल स्पिनर टूल, इससे आप रोटेट कर सकते हो इसी चीज को ऐसा कुछ, लो इसका एंगल में ऐसा कुछ रोटेट, इसको एंगल को सभी के आप एंगल को अगर रोटेट करना है देखो, ये इसके अंदर जो ब्लू आपको एरोज दिख रहे हैं उस एरोज को आप जिस एंगल में इस एंगल में किया तो इस एंगल में, जिस एंगल में आप एरोज को शिफ्ट करोगे उस एंगल पे ये रोटेट होगा, तो ये रोटेट करने के लिए आपको ये काम आ जाता है। देन आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है सिंबल स्टैनर टूल, इसको आप क्लिक करो, एंड देन क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ एक कोई भी कलर ले लोगे पहले तो, एंड देन ऐसा कुछ आप पेंट करने के काम आता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रे कलर है, तो आप इस पर अब एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ये चलाते जाओगे उतना डार्क करता जाएगा, वन क्लिक पे ऐसा कुछ हल्का वन क्लिक पे हल्का आएगा जैसे ये देखो, एंड आप जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा इसे, इसमें भी अगर मैं इसको रिवर्स करने के लिए अल्ट यूज कर सकता हूँ तो हल्का कर रहा हूँ अल्ट के थ्रू, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको काम आती हैं। यहाँ पे आप ऐसा कुछ कलर सेलेक्ट करोगे, देन इसको आप यूज करोगे, एंड ये आपका इस तरह से इस पर कलर अप्लाई कर रहा है क्योंकि ग्रे कलर है, इसी को अगर मैं ब्लैक या वाइट रखता तो इस तरह से कलर अप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इसमें ग्रे कलर लिया है, तो ये ग्रे कलर पे आप इस तरह से कलर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ इस पर इस तरह से ग्रे कलर अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई और कलर चाहिए मैं ऐसा कुछ कोई और भी दूसरा कलर अप्लाई करना हो तो मैं ऐसा कुछ कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कलर अप्लाई कर सकते हो। देन आपका आता है सिंबल स्क्रीनर टूल,
इसको आप सेलेक्ट करोगे, ये कुछ नहीं बस लाइट करता चला जाता है, ट्रांसपेरेंट करता है आपको यहाँ पे, ये ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट कर रहा है आपके डिज़ाइंस को यहाँ पे, ऐसा कुछ आपको आपके डिज़ाइंस को ये ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है। इस पे देखो ये मैं बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया तो ये गायब ही हो गया, तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ आप ट्रांसपेरेंट करना हो ट्रांसपेरेंट। देन नेक्स्ट है आपका सिंबल स्टाइलर टूल, तो इसके लिए आप विंडो में जाओगे एंड ग्राफिक स्टाइल इसे ओपन करोगे। विंडो से आप ऐसा कुछ सिंबल ओपन करोगे, सिंबल ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपके सिंबल है, और भी आप अपने अपने सिंबल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंबल बॉल है, यहाँ पे आपका लाइब्रेरी है जहाँ से और भी सिंबल आप ऐड कर सकते हो, खुद के बनाकर ऐड कर सकते हो, या इसमें से कोई भी आपको सिंबल यूज करना है उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे यार ऐसा कुछ पेंट करोगे। आप जूम करके देखो वो सिंबल यहाँ पे अप्लाई होता जा रहा है ऐसा कुछ, तो आप जिस पे भी अप्लाई करना हो ऐसा कुछ, मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसा मूव कर दिया, सब पे अप्लाई हो गया। तो ये बहुत हेवी करता है वैसे, तो आप सोच समझ के इसका यूज करें, बहुत ज़्यादा ये टेक्चर है इसलिए बहुत ज़्यादा हेवी कर देता है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग अपने अगर सिंबल यूज करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, आपको अपने डिज़ाइंस आप इस तरह से यूज करोगे यहाँ पे। चलिए फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम चलते हैं हमारे पास और भी क्या क्या चीज़ें हैं सिंबल्स में, वो तो टेक्चर मैंने अप्लाई करके हटा दिया। एंड देन यहाँ पे हम सिंबल्स में आते हैं, हमारे पास जिस तरह से बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे ये लोगो है फैशन से रिलेटेड है, तो चलिए हम इस पे चलते हैं फिलहाल। और ये देखिए अब फैशन से रिलेटेड कैप है, ये चीज़ें हैं, और भी देखते हैं फ्लावर्स है इसमें, ये बहुत सारे फ्लावर आपके हैं, तो चलिए इस तरह से मैं मान लो मैं अभी ये ब्लू वाला ऐसा कुछ, या ये वाइट वाला ऐसा कुछ मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। एंड अभी मुझे ये जैसे कि मैं ये ऐड किया, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करूँ तो आप देखोगे ये बहुत सारे ये फ्लावर्स ऐसा कुछ ऐड हो गए। चलो मैंने मुझे अभी दिल कर रहा है कि मैं ये फ्लावर्स तो यहाँ ऐड किया, मुझे मैं ये जितने भी स्टार हैं ये इस पर मैं इसको रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, रिप्लेस कर देना चाह रहा हूँ कि ये फ्लावर्स यहाँ पर रिप्लेस हो गए ये स्टार की जगह पर। तो या कोई कुछ नहीं, यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस सिंबल, लो ये सारे जो भी आपके स्टार थे वो इस फ्लावर्स से रिप्लेस हो गए। और आप ध्यान दोगे, मैं एक बार अंडू करूँ, जहाँ पे ब्लू कलर है वहाँ पे ये फ्लावर ब्लू हो रहा है, जहाँ जो कलर है यहाँ पे ये येलो है ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड, तो ऐसा कुछ ये रिप्लेस हो रहा है ऐसा कुछ। जाओगे एंड देन रिप्लेस सिंबल, लो ये फ्लावर्स आपके रिप्लेस हो गए। दूसरा वाला फ्लावर रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे जाओगे रिप्लेस सिंबल, ये वाला फ्लावर, और कलर भी इसके चेंज हो रहे हैं ये भी आप ध्यान दोगे, जहाँ रेड आइकन है तो वहाँ पे आपके रेड फ्लावर हो गए थे। ये वाला टेक्सचर हम जो अभी देख रहे थे आप, हमें अप्लाई किया था हमने आर्टिस्टिक में से, तो उसे अगर रिप्लेस करना हो तो लो जी ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करके यहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर सकते हो ऐसा कुछ। इस तरह से हमारे बहुत सारे फ्लावर्स हो गए, तो इस तरह से आप सिंबल्स को यहाँ पे अभी रिप्लेस कर सकते हो। अभी मैंने इस फ्लाई दोनों फ्लावर्स से आपको रिप्लेस करके दिखा दिया कि आप कैसे अपने डिजाइन पे रिप्लेस कर सकते हो। चलो फिर से मैं अंडू कर देता हूँ, अभी आप देख रहे हो ऐसा कुछ स्टार है, चलो अभी मैं इसे पूरे को डिलीट कर देता हूँ और इस स्टार को लेता हूँ। अभी मुझे बाद में आपको लगे कि चलो एक सिंबल बना लिया, अभी मुझे इसको एडिट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपको न्यू सिंबल है, बाकी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, अभी इसी को मुझे बाद में एडिट करना हो कि ये सिंबल तो बना लिया, मुझे एडिट करके कुछ और बनाना है, तो यहाँ से आप इसे लिंक को ब्रेक कर दोगे, ये सिंबल से अब ये अलग ब्रेक हो चुका है, अब आप इस पर कुछ भी अलग एडिट कर सकते हो। मान लो मैं ऐसा कुछ जाऊँ सेलेक्शन एंड इससे मैं ऐसा कुछ शेप चेंज कर दूँ ऐसा कुछ कर दूँ, एंड देन इसे मुझे ऐड करना, अब ये अलग सिंबल बन जाएगा। लो मैं अलग रीनेम अगर कुछ करके अलग दूसरा सिंबल बना सकता हूँ, तो इस तरह से आप अलग से दूसरा सिंबल बनाकर यहाँ ऐड कर सकते हो। अभी इसी को मैं अगर अलग से बनाकर ऐड ब्रेक नहीं किया होता, अभी मैंने बताया नहीं आपको, अगर मैं ब्रेक नहीं करता तो क्या होता, मैं अभी फिर से डिलीट कर दूँ इसे, मैं लाऊँ ब्रेक नहीं करता देन मैं वो चीज़ एडिट नहीं कर सकता था, इस सिंबल को बने हुए को मैं इस तरह का शेप एडिट नहीं कर सकता था।
तो इसको एडिट करना था, इसीलिए यहाँ पे मैं गया, यहाँ से इस टूल से मैं ब्रेक किया, आप देख सकते हो वो ऑफ हो चुका है, एंड देन एडिट करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, बाकी बहुत सारे सिंबल है उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे थंबनेल वगैरह है, जैसे बाकी ब्रश में होता या बाकी ऑप्स टूल्स में थे, वैसे ही यहाँ लार्ज करना है, लार्ज लिस्ट में करना है, स्मॉल है, थंबनेल है, इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओपन सिंबल लाइब्रेरी, जो यहाँ से ये लाइब्रेरी आता आ रहा था वो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, और प्लेस सिंबल, एडिट, ये चार चीज़ें, डिलीट सिंबल, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से इस तरह से आप सिंबल यूज करोगे। चलो मैं एक और यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, नेचर। अभी मैं इसी नेचर पे चला जाऊँ, देखते हैं क्या क्या है। अब इसमें नेचर से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे आपको इस तरह से सिंबल मिल रहे हैं। मान लो मैं ये सिंबल यूज करता हूँ, यहाँ से मुझे स्प्रे करना है, ऐसा कुछ मैं स्प्रे कर लेता हूँ। ये देखो आप, बहुत सारे इस तरह से आपको सिंबल मिल गए। अब इस सिंबल पे मैं अगर ये स्प्रे टूल का यूज करूँ, मैं यहाँ पे एक कोई कलर ले लेता हूँ, फिलहाल ऐसा कुछ रेडिश ले लेता हूँ, मान लो ऐसा कुछ रेड कलर, एंड देन ये लो। अब जब मैं उतना कंट्रोल आपका यहाँ पे नहीं है, अभी आप ध्यान दोगे, ये कलर तो ले रहा है बट उतना कंट्रोल नहीं है। ग्रे पे बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से वो यूज हो रहा था, बट यहाँ भी फिर भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से मैं जैसा कि कलर चेंज कर रहा हूँ, वैसे ही बाकी ऑप्शंस को भी इन पे आप यूज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे अच्छे आप डिज़ाइंस बना सकते हो। उसे दूर करना है मुझे, तो ऐसा कुछ मैं मैन्युअली दूर कर सकता हूँ इनको इनको, इस तरह से आप सिंबल का यूज करोगे। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सिंबल्स को यूज करके हम एक 3D डिज़ाइंस वगैरह बनाएंगे, 3D शेप कैसे बनाना है, 3D डिज़ाइन वगैरह, बॉटल ग्लास, इस तरह का कुछ बनाएंगे, और भी आगे चीज़ें बनाते चलेंगे, सीखते चलेंगे। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रहा आपका सब्सक्राइब बटन, जहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपके पास अवेलेबल होगा, आपको मिलता रहेगा सारे क्लासेस के। एंड यहाँ आपको आई आइकन है, जहाँ से बाकी की क्लासेस आप जा करके पहले की देख सकते हो। सो देखते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।